दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेफ्रिजरेटर क्या होता है और इस पे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे। तो देखिए रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर होता है 36 डिग्री से 38 डिग्री फारेनहाइट ताप पर यह अच्छा से काम करेगा। मतलब खाद्य पदार्थ को अगर आपको रखना है तो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 36 डिग्री से 38 डिग्री फारेनहाइट या सेल्सियस में बोलेंगे तो 1.7 से 3.3 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। इस पर फायदा क्या होगा, इस पर खाद्य पदार्थ जो है सुरक्षित रहेगा क्योंकि जीवाणु जो है इस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीवाणु इस पर उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा, इसमें एक आर्द्रता नाशक होता है जिसका काम होता है जो अधिक आर्द्रता है मतलब मॉइस्चर है उसको क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के बाद उसको ठोस में बदल लेता है, फिर उसको पिघला के फ्रिज से बाहर कर देता है। तो अतिरिक्त अगर आर्द्रता होगा तो उससे क्या होगा, फ्रिज खराब हो जाएगा, मतलब जल्दी कोई चीज़ जो है ठंडा नहीं होगा क्योंकि जो आर्द्रता जो होगा वो ठोस में बन जाएगा, ठीक है। और ठोस जो होता है मतलब बर्फ जो होता है वो क्या होता है, ऊष्मा का उचालक होता है, इसीलिए अधिक अगर आर्द्रता आएगा तो उसको बाहर करना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे अतिरिक्त आर्द्रता को अवशोषित कर पिघला कर बाहर निकाल देता है। इस कारण अगर आप बिस्कुट रखते हैं फ्रिज में तो कुछ देर बाद वो कुरकुरा हो जाता है क्योंकि बिस्कुट में जो मॉइस्चर है, जो नमी है, नमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं, उस नमी को क्या करता है फ्रिज जो है सोख लेता है और उसको पिघलाकर बाहर निकाल देता है। इसीलिए बिस्कुट जो होगा थोड़ा देर बाद क्या हो जाएगा, कुरकुरा हो जाएगा क्योंकि उसका नमी उसमें अब रहा ही नहीं, नमी खत्म हो गया, इसीलिए बिस्कुट क्या हो जाएगा, कुरकुरा हो जाएगा, सूख जाएगा। अगला है फ्रीजर पर इकट्ठा बर्फ जो होता है, फ्रीजर में देखिएगा कभी खोलने पर जो बर्फ रहता है वो फ्रीजर को ख़राब कर देता है, रेफ्रिजरेटर को ख़राब कर देता है क्योंकि यह जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है, बर्फ़ जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। अब सब जगह बर्फ़ जमा रहेगा तो फ्रिज में कोई चीज़ रखिएगा तो जल्दी ठंडा होगा ही नहीं, क्योंकि बर्फ़ उसको क्या करेगा, अवरोधक का काम करेगा। इसलिए बर्फ़ को क्या किया जाता है, पिघला कर उसको बाहर कर देता है, कौन कर देता है, यही जो आपको ऊपर वाला बताए थे आर्द्रता नाशक। अगला आपको ध्यान रखना है इसमें प्रशीतक जो होता है, प्रशीतक का काम होता है ठंडा करना, ठीक है। तो दो तरह का प्रशीतक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक अमोनिया और एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको शॉर्ट में CFC बोलते हैं। तो अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है कोल्ड स्टोर में, तो शीतगृह में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अमोनिया का, किसके रूप में, प्रशीतक के रूप में, मतलब ठंडा करता है। आलू वालू हम लोग कोल्ड स्टोर में रखते हैं तो उसको ठंडा करता है कौन, अमोनिया। और जो घर में हम लोग रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं उसमें प्रशीतक के रूप में काम करता है कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग घरेलू रेफ्रिजरेटर में करते हैं। अब आपको रेफ्रिजरेटर पर आधारित जितना भी प्रश्न पूछा गया है उसको अब हम लोग कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। दोस्तों रेफ्रिजरेटर से संबंधित जितने भी तत्व थे सारे तत्वों को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इस वीडियो में। अब रेफ्रिजरेटर पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में उन सारे प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है ए 4 डिग्री सेल्सियस, बी 8 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस, डी 10 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर हो जाएगा ए 4 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों आपको हम बता चुके हैं जे फ्रिज में मतलब रेफ्रिजरेटर में जो सुरक्षित तापमान होता है वह होता है 36 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के बीच में अगर इतना फारेनहाइट टेम्परेचर रखते हैं तो इसके बीच में कोई भी सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु जो है वो उत्पन्न नहीं होगा, वो जीवित रह ही नहीं सकता है, ठीक है। और इसी को सेल्सियस में बात करेंगे तो 1.7 से 3.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में तापमान रखेंगे तो कोई जीवाणु उत्पन्न होगा ही नहीं और खाद्य पदार्थ जो है, जो भी खाने का पदार्थ आप रख रहे हैं फ्रिज में, वो सुरक्षित रहेगा। तो इसके लगभग में आंसर कौन है, ए ऑप्शन, इसीलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि,
ए ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है, बी फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, सी फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, डी फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है इसलिए अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फ्रिज के अंदर दोस्तों होता क्या है, आर्द्रता बहुत ही कम होता है, ठीक है, और जैसे ही बिस्कुट को रखेंगे तो बिस्कुट में क्या है, ठीक है, पूरा सूखा हुआ तो रहता नहीं है, अब बिस्कुट में जो नमी होगा उसके अंदर एक नमी को सोखने वाला यंत्र होता है, वो क्या करेगा, नमी को सोख लेगा और बिस्कुट का नमी जैसे ही सोखेगा बिस्कुट क्या होगा, सूख जाएगा, मतलब कुरकुरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, ए तापमान को कम करना, बी हिमायन ताप को बढ़ाना, सी एक समान तापमान को बनाए रखना, डी गलनांक को घटाना। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक समान तापमान को बनाए रखना। तो दोस्तों ऑलरेडी हम बता चुके हैं थर्मोस्टेट जो होता है यह एक ऐसा यंत्र होता है जिसका काम होता है तापमान को स्थिर रखना, यही तापमान को नियंत्रित भी करता है, इसलिए समान तापमान बनाए रखने के लिए हम लोग बहुत सारे जगह पर जैसे एसी में, फ्रिज में, इस सब में हम लोग थर्मोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।